असलम स्टूडेंट्स आर यू फाइन नाउ यूर इन ग्रेड वन आई एम यर साइंस टीचर ओपन योर साइंस बुक पेज नंबर वन आवर फर्स्ट चैप्टर नेम इज साइंस डियर स्टूडेंट्स वर्ड साइंस मीन्स नॉलेज ऑफ एवरी थिंग इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं विच कैन ईट ग्रो एंड मूव जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है ये चीज़ें हरकत कर सकती हैं और ग्रो करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह वक़्त गुजरता है ये ग्रो करती हैं ऑन द अदर हैंड जो कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ना हरकत कर सकती हैं ना ही उन्हें खाने पीने की ज़रूरत होती है और ना ही वो ग्रो करती हैं स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पेज साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट साइंस जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को जानने के बारे में है आप मेरे साथ अब रीडिंग करेंगे एस सी आई ई एन सी ई साइंस आई एस एज आ डब्ल्यू ए वाई वे ओ एफ ऑफ एफ आई एन डी आई एन जी फाइंडिंग T -h -i -n -g -s, things एच आई एन जी एस थिंग्स ओ यू टी आउट साइंस इज अफ फाइंडिंग थिंग्स आउट इस पेज पर सबसे पहले हमें एक आर्ट नजर आ रही है आर्ट एक लिविंग थिंग है इसे जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है एंड इट कैन ग्रो एंड मूव लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ आट्स लैक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस इज एन आट इट हैज सिक्स लैक्स अब आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे टी एच आई एस दिस आई एस एस ए एन एन ए एन टी आट दिस इज एन आट आई टी इट एच ए एस हैज एस आई एक्स सिक्स एल ई जी एस लेट हैज सिक्स ये एक आठ है इसकी छह टांगे हैं अब दूसरे नंबर पर जो हमें पिक्चर नजर आ रही है वो एक फ्लावर की है फ्लावर लिविंग थिंग है इसे जिंदा रहने के लिए एयर वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है दिस इज आ फ्लावर इट हैज फोर पैटल्स अब आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे टी एच आई एस दिस आई एस एस आ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर आई टी एट एच ए एस हैज एफ ओ यू आर फोर पी ई टी एल एस पैटल्स दिस इज आ फ्लावर इट हैज़ फोर पैटल्स थर्ड पिक्चर एप्पल की है एप्पल रेड कलर का है ये ट्री से मिलता है जो कि लिविंग थिंग है और इसको जिंदा रहने के लिए ट्रीज़ को जिंदा रहने के लिए एयर वाटर और सन लाइट की ज़रूरत होती है एन ऐप्पल इज रेड अब आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे ए एन एन ए डब्ल पी एल ई एप्पल आई एस इज आर ई डी रेड एंड एप्पल इज रेड सेब सुर्ख कलर का होता है नेक्स्ट पिक्चर लीफ की है लीफ भी ट्री का पार्ट है और ट्री जो है इनको भी जिंदा रहने के लिए एयर वाटर सनलाइट की जरूरत होती है ग्रीन कलर का लीफ है अब हम इसकी रीडिंग करते हैं आ लीफ इज ग्रीन आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ एल ई ए एफ लीफ आई एस इज जी आर डबल ई एन ग्रीन आ लीफ इज ग्रीन नेक्स्ट पिक्चर देखें चाय नजर आ रही है और टी इज हॉट चाय गरम है कप नॉन लिविंग थिंग है और इसकी रीडिंग करते हैं टी ई ए टी आई एस एस एच ओ टी हॉट, टी इज हॉट। नेक्स्ट पिक्चर हमें आइस की नज़र आ रही है आइस इज कोल्ड बर्फ ठंडी होती है नॉन लिविंग थिंग है रीडिंग करें मेरे साथ आई सी ई आइस आई एस एज सी ओ एल डी कोल्ड आइस इज कोल्ड बर्फ ठंडी होती है सेकेंड लास्ट पिक्चर जो नज़र आ रही है वो स्टोन की है स्टोन हार्ड होता है सख्त होता है नॉन लिविंग थिंग है आ स्टोन इज हार्ड मेरे साथ आप रीडिंग करेंगे आ एस टी ओ एन ई स्टोन आई एस एज एच ए आर डी हार्ड आ स्टोन इज हार्ड पत्थर सख्त होता है नेक्स्ट लास्ट पे जो पिक्चर नज़र आ रही है वो जैली की है जेली सॉफ्ट होती है और ये भी नॉन लिविंग थिंग है रीडिंग करते हैं जेली इज सॉफ्ट आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे जे ई डबल एल वाई जेली आई एस 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 ओ एफ टी सॉफ्ट जैली इज सॉफ्ट जेली नरम होती है कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर थ्री डियर स्टूडेंट्स हियर वी कैन सी एनिमल्स एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं इन्हें जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है और ये मूव एंड ग्रो करते हैं ऑन दिस पेज ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ इनमें से कुछ एनिमल्स स्ट्रॉन्ग यानि ताकतवर हैं कुछ वीक यानी कमज़ोर हैं कुछ स्मॉल यानि छोटे कुछ बिग बड़े कुछ स्लो स्पीड एनिमल्स और कुछ फास्ट स्पीड एनिमल्स यानी तेज़ रफ्तार एनिमल्स हैं सबसे पहली पिक्चर हमें हॉर्स की नज़र आ रही है और दूसरी तरफ किटन यानि बिल्ली के बच्चे की हॉर्स एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है और किटन एक वीक एनिमल है यानी कमज़ोर एनिमल है दोनों ही लिविंग थिंग है ये भारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग एनिमल है हॉर्स ये भारी चीजें खींच सकता है ऑन द अदर हैंड किटन इज वीक ये ऐसा नहीं कर सकता अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हॉर्स पुल्स आ कार्ट घोड़ा खींच सकता है इस छकड़े को और ऑन द अदर हैंड किटन इज़ वीक वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता नाउ कैम टू द रीडिंग आ हॉर्स स्ट्रॉन्ग घोड़ा एक ताकतवर जानवर है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ एच ओ आर एस ई हॉर्स आई एस 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 टी आर ओ एन जी स्ट्रोंग आ हॉर्स इज स्ट्रोंग घोड़ा एक ताकतवर जानवर है आ किटन इज वीक बिल्ली का बच्चा कमजोर है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ के आई डबल टी ई एन किटन आई एस इज डब्ल्यू ई ए के वीक आ किटन इज वीक बिल्ली का बच्चा कमजोर है ये थे हमारे जो हमें नज़र आ रहे हैं इस पेज पर स्ट्रोंग और वीक एनिमल अब हम फास्ट एंड स्लो एनिमल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ टर्टर्स यानी कछुए की है इट वॉक्स स्लोली इट इज कवर्ड विद हार्ड शेल हार्ड शेल इसकी प्रोटेक्शन करता है दूसरी तरफ हमें एक फास्ट एनिमल यानी रैबिट नजर आ रहा है रैबिट रन वेरी फास्ट इट जम्प्स ऑन द ग्राउंड दोनों ही लिविंग थिंग हैं लेकिन एक स्लो स्पीड एनिमल और दूसरा फास्ट स्पीड एनिमल है नाउ कम टू द रीडिंग रीडिंग करते हैं आर्टस इज स्लो कछवा सुस्त है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ टी ओ आर टी ओ आई एस ई थर्टस आई एस एज एस एल ओ डब्ल्यू स्लो आर थर्टस इज स्लो कछवा सुस्त है आर रेबिट इज फास्ट खरगोश तेज है आ रेबिट एज फास्ट खरगोश तेज है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ आर ए डबल बी आई टी रेबिट आई एस इस, एस एफ ए एस टी फास्ट रेबिट एज फास्ट खरगोश तेज है अब इस पिक्चर में हमें फास्ट एंड स्नो स्लो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें से सबसे तेज फास्ट एनिमल चीता है उससे कम रैबिट उससे कम स्लो स्पीड वाला टर्टस और सबसे कम स्पीड वाला एनिमल हमें स्नेल नजर आ रहा है इस पेज पर हमें सबसे छोटा एनिमल एक माउस यानी चूहा नजर आ रहा है और सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट नजर आ रहा है नाउ कम टू द रीडिंग रीडिंग करते हैं अ माउस इज स्मॉल चूहा छोटा है आ एम ओ यू एस ई माउस आई एस 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 एम ए डबल एल स्मॉल अ माउस इज स्मॉल चूहा छोटा है एन एलिफेंट इज बिग हाथी बड़ा है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे ए एन एन एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट आई एस एज बी आई जी बिग एंड एलिफेंट इज बिग हाथी बड़ा है इस पेज पर हमें टू नॉन लिविंग थिंग्स नजर आ रही है नॉन लिविंग थिंग्स उन्हें कहते हैं जिन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं होती और ये ग्रो नहीं करती सबसे पहले हमें फुटबॉल नजर आ रहा है फुटबॉल राउंड शेप होता है और दूसरी तरफ हमें नॉन लिविंग थिंग जो चीज है वो स्लाइस ऑफ टोस्ट नजर आ रहा है जो कि स्क्वेयर है अब हम रीडिंग करते हैं अ फुटबॉल इज राउंड फुटबॉल गोल है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ आ एफ डबलो टी फुट बी ए डबल एल बाल अ फुटबॉल आई एस एस आर ओ यू एन डी राउंड अ फुटबॉल इज राउंड फुटबॉल गोल है अलाइस ऑफ टोस्ट इज स्क स्लाइस ऑफ टोस्ट जो है वो स्कर है आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे आ एस एल आई सी ई स्लाइस ओ एफ ओफ टी ओ एस टी टोस्ट I S S S Q U A R इ स्केयर आ स्लाइस ऑफ टोस्ट एज स्यर इस लेक्चर को दोबारा गौर से सुने इसके बाद हम चैप्टर की एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं